गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती का दिन था। गट्टू और चिंकी क्लास में बैठे थे। मिश्रा सर गुरु नानक जयंती पर भाषण दे रहे थे। बच्चों, आज गुरु नानक जी का जयंती उत्सव है। गुरु नानक जी का जन्म पंजाब में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सन 1459 में हुआ था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। उन्होंने अपने सहसाथियों के साथ गुरु ग्रंथ साहिबा नामक धर्म ग्रंथ लिखा था। नानक जी बचपन में बहुत ही तल्लक, जिज्ञासु और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में भ्रमण किया और उपदेश किया कि सर्वधर्म सम्मान है, इसलिए हमें स्नेह और प्रेम से रहना चाहिए। मन में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मूर्ति या मंदिर में भगवान ढूंढने से अच्छा इंसानों में भगवान देखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। बच्चों, बहुत बड़ी सीख देकर गए हैं नानक जी। हम इंसान गुरु नानक जी और उनके जैसे महान आत्माओं की जयंती उत्सव धूमधाम से मनाते तो हैं, पर उनकी दी हुई सीख भूल जाते हैं। उनकी सीख समझना और व्यवहार में लाना, यही नानक जी जैसे महान आत्माओं को सच्चा अभिवादन होगा। गट्टू और चिंकी अपने दोस्त हरी के साथ स्कूल से लौट रहे थे। तब गट्टू कहता है, मिश्रा सर ने आज बहुत अच्छी बात कही है हरी। हम बस जयंती मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। हाँ यार, पर आज आंखें खुल गई। हम अब महापुरुषों की जयंती कुछ अलग ढंग से मनाएंगे। पर कैसे? हम उनका साहित्य पढ़कर, उनके विचार समझकर, जैसा वो चाहते थे वैसा बर्ताव तो कर ही सकते हैं ना? ठीक कह रहा है गट्टू तू। चल, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर हरी निकल जाता है और गट्टू चिंकी भी अपने घर आते हैं। बच्चों आगे तुम चलो, फटाफट तैयार हो जाओ, आज गुरु नानक जयंती है, हमें तैयारी भी तो करनी है। कैसी तैयारी मम्मी? अरे भाई, बहुत कुछ करना है। गुरुद्वारा जाना है, शोभा यात्रा में शामिल होना है। चलो चलो। नहीं मम्मी, हम नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चों? मम्मी, आज मिश्रा सर कह रहे थे कि हमें महापुरुषों के जयंती उत्सव पर उनके विचार जानने और समझने चाहिए और उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए। अब हम सब महापुरुषों की जयंती इसी ढंग से मनाएंगे, उनके विचार जानकर और समझकर। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात सीखी है तुमने। आज सच में महान पुरुषों के विचारों और उपदेशों को समझकर उन्हें व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम खुशहाल समाज और खुशहाल देश की ओर बढ़ सकते हैं। पर ऐसा होता कहाँ है? सब लोग बस जयंती नाच कर गा कर ही मनाते हैं, यही तो प्रथा है। प्रथाएं चलती है क्योंकि हम उन्हें वैसे ही फॉलोअप करते हैं जैसी वह हमारे पास चलकर आती है। अगर हम हमारी अलग प्रथा शुरू करें तो हो सकता है कि धीरे धीरे लोग भी हमारा अनुकरण करें, पर यह करने के लिए शुरुआत तो हमें ही करनी होगी। पापा, मिश्रा सर कह रहे थे कि गुरु नानक जी मूर्ति पूजा और अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। हाँ बेटा, मिश्रा सर ठीक कह रहे थे। गुरु नानक जी ही नहीं, और भी ऐसे कई महापुरुष हैं जो भगवान के साथ साथ इंसानों की भी सेवा करते थे और समाज में जन सेवा का संदेश देते थे। फिर तो हमें महापुरुषों के विचारों का अध्ययन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। तो चलिए आज हम नानक जी के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा का सामूहिक पठन करते हैं, उनके आध्यात्मिक तथा अन्य विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। पर आपको तो गुरुद्वारा जाना है, शोभा यात्रा में शामिल होना है। कोई बात नहीं, हम गुरुद्वारा कल चले जाएंगे। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। अगर हमारे बच्चे इतने समझदार और जिज्ञासु हो सकते हैं तो हमें भी उनका साथ अवश्य देना चाहिए। तो ठीक है पापा, मैं बस अभी आता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हरी और बाकी दोस्तों को बुलाता हूँ, वो भी हमारे साथ पठन में शामिल होंगे। पहले मुँह हाथ तो धो लो। अच्छे विचारों को ग्रहण करने से पहले मन के साथ साथ शरीर भी तो स्वच्छ होना चाहिए। ओके मम्मी, चलो चिंकी। गट्टू और चिंकी मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाते हैं
और फिर अपने सारे दोस्तों को बुला लाते हैं। पापा गुरु ग्रंथ साहिबा और गुरु नानक जी के विचारों आधारित कुछ अन्य ग्रंथ निकाल कर रखते हैं। सब लोग पठन करने बैठ जाते हैं। बच्चों, शांत और एकाग्र मन से बैठ जाओ और गुरु नानक जी के विचार सुनो। इस प्रकार पापा पठन शुरू करते हैं और बच्चे बड़े ध्यान से विचार ग्रहण करने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।